दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब्र के अंदर से अल्लाह के एक वली का कफन सही सलामत निकला और जिस्म भी पूरी तरह से सही सलामत निकला। दोस्तों ये वाकया बताता है कि अल्लाह के वली कभी मरते नहीं है, अल्लाह के नेक बंदों के जिस्मों को मिट्टी कभी खा नहीं सकती। क्या है पूरा वाकया, आइए जानते हैं। हजरत शेख सुल्तान महू रहमतुल्लाह ताला अलैहि के विसाल के 77 साल बाद जिस्म और कफन सही सलामत रहा। 77 साल बाद यानी कि 1179 हिजरी में दरियाए जुनाब में पानी आपके मज़ार मुबारक तक पहुंचने लगा था। आपने ख्वाब में अपने मुरीद को हुक्म फरमाया कि मुझे यहाँ से निकाल कर कहीं और मुंतकिल कर दे। चुनाचे आपके मुरीद ने आपके जिस्म को मुत्तकिल करने के लिए कब्र को खोदना शुरू किया, मगर आपका जिस्म मुबारक कहीं नहीं मिला। आपके मुरीदीन बहुत परेशान हुए। फिर अगली रात को फिर से आपने ख्वाब में अपने मुरीद को बताया कि कल एक बुजुर्ग सब्ज लिबास में तुम्हारे पास आएंगे और मेरी कब्र का निशान बताएंगे। चुनाचे अगले दिन सब्ज लिबास वाले बुजुर्ग तशरीफ लाए और कब्र की निशानदेही कर दी। हजारों लोगों की मौजूदगी में जब आपकी कब्र की निशानदेही की गई और आपकी कब्र को खोदा गया तो क्या देखते हैं कि आपका जिस्म मुबारक और आपका कफन मुबारक बिल्कुल सही सलामत थे। और यही नहीं, फिजा में कई मील दूर तक खुशबू फैल गई थी। आपकी दाढ़ी से पानी के कतरे टपक रहे थे और यूं महसूस होता था कि आप अभी सोए हैं। इस वाकये के 158 साल बाद यानी कि 1336 हिजरी में 1928 ईस्वी में एक बार फिर से सैलाब आया और एक बार फिर से पानी आपके मज़ार मुबारक को छूने लगा और तीसरी मर्तबा फिर से आपकी कब्र को खोदा गया और आपके जिस्म को मुत्तकिल किया गया। और इस वक्त भी आपका जिस्म मुबारक और कफन मुबारक सही सलामत रहा। दोस्तों यह होती है अल्लाह वालों की शान कि जिनके जिस्मों को मिट्टी खा नहीं सकती, जिनके कफन को मिट्टी मेला कर नहीं सकती। अगर इस वाकये ने आपके दिल को छुआ है तो दिल से इसे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने करीबी लोगों में, अपने रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।